हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी मैं एंजल नंबर्स पर रीडिंग कर रही हूँ। जानेंगे आपको एंजल नंबर क्यों दिख रहे हैं, कोई भी एंजल नंबर हो सकता है, पीछे रीज़न क्या है इसको दिखने का, ये सारी बातें पता करेंगे आज की रीडिंग में। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर करे और देखते हैं कि आपको लगातार एंजल नंबर दिख क्यों रहे हैं, क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे। स्टार्ट करते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप यहाँ तक पहुँचे आप देख सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। ब्रोकन हार्ट नंबर 9, मैजिशियन एंड द मिरर नंबर 53, नंबर 3 ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, नंबर 41, 38, नंबर 5, 46 नंबर एंड नंबर 7, नंबर 42। ओके, तो आप लोगों को नंबर जो दिख रहे हैं वो दिख रहा है नंबर 5 बहुत दिख रहा है, नंबर 7 दिख रहा है, नंबर 1 दिख रहा है, नंबर 3 दिख रहा है, नंबर 8 एंड नंबर 10 भी दिख रहा है आपको। मे बी आपको 10-10 नंबर भी दिख रहे हैं और आपको यस नंबर 8 मैंने बता ही दिया, नंबर 9 भी दिख रहा है एंड नंबर 6। अभी फिलहाल जो सबसे ज़्यादा आपको नंबर दिख रहा है वो है 5, जो बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है। 5 नंबर दिख रहा है, नंबर 7 ज़्यादा दिख रहा है और नंबर 3 ज़्यादा दिख रहा है। ये तीन नंबर मुझे ज़्यादा दिखते हुए दिख रहे हैं आपको, 5, 7 एंड नंबर 3। और हो सकता है कुछ को नंबर 4 भी दिन में कई बार दिख जाता है। देखिए, इसके पीछे दिखने के जो रीज़न है वो मैं आपको बता रही हूँ। आप अभी आपका जो दिल है वो टूटा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये आपकी लव लाइफ की वजह से टूटा हुआ है, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आपका दिल टूटा हुआ है। और आपको ना 8 नंबर भी दिख रहा है, लेकिन वो थोड़ा दिख रहा है, ज़्यादा नहीं दिख रहा है इतना। 8 नंबर आपको ना यही बता रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग करने की ज़रूरत है, अपने हीलिंग प्रोसेस पर ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत है अगर आप इस ब्रोकन हार्ट को हील करना चाहते हैं तो, और अबंडेंस अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं तो। आपको बहुत दिमाग से काम लेना है इस टाइम। इफ़ यू आर वॉचिंग 5 नंबर कॉन्स्टेंटली, आपको इस टाइम बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लेना है, क्या स्टेप लेने हैं, कितना एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट करनी है, इस चीज़ की नॉलेज अब आपको होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे करके आप अपने दिमाग का स्ट्रेस निकाल दोगे और अपने हार्ट को प्रॉपर अच्छी तरीके से हील कर पाओगे। क्योंकि अगर आपका काम टाइम पे नहीं हुआ तो आपको स्ट्रेस फील होगा, स्ट्रेस फील होगा तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट भी आपके हार्ट पर जाएगा ही जाएगा। ये चीज़ें हो रही हैं, आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो वो उसे आप अचीव नहीं कर पा रहे हो अभी, इसीलिए आपका दिल टूटा हुआ है। अभी आपको थोड़े टाइम के लिए, अगर आपको 9 नंबर दिख रहा है तो अभी आपको आइसोलेशन फेज में जाने की ज़रूरत है, अकेले रहकर मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। बिकॉज जो आप चाह रहे हो, आपको चाहिए कि आप अपनी कम्युनिटी में फेमस हो जाएं, कुछ अचीव करके लोगों को दिखाएं। क्योंकि आपको ना अभी पता है क्या हो रहा है, जो भी आप जिस भी पर्पस पे अभी काम कर रहे हो उसको, उससे आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो चुकी है। आप बहुत हद तक, आपके सर पे एक पागलपन है कि आपको इस चीज़ को अचीव करना ही करना है। तो ऐसे में ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना भी आपके लिए फ्रूटफुल नहीं साबित होगा। और अगर जल्दबाजी में काम करे या फिर डिले ज़्यादा किया आपने, सपोज़ कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, इस टाइम कर लेंगे, तो भी आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाएंगी। तो नंबर 8 दिख रहा है तो गाइज हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। नंबर 9 आपको दिख रहा है तो इट मीन्स आपको आइसोलेशन फेज में जाने की ज़रूरत है। नंबर 7 दिख रहा है तो यू नीड टू ब्रिंग समथिंग न्यू इन योर लाइफ, और आपको थोड़ा सा पॉपुलैरिटी गेन करनी है अपनी सोसाइटी में, इफ़ यू आर वॉचिंग नंबर 7 अगेन एंड अगेन। ठीक है, और मुझे ना ऐसा भी लग रहा है जो लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, आपके पर्सन भी आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि कब आप अपने अचीवमेंट्स हासिल करेंगे सो दैट आपका यूनियन हो सके। तो
तो एक प्रेशर, एक एनर्जी वहां से भी आपको मिल रही है। यू नीड टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन योर लाइफ फर्स्ट। आइसोलेशन फेज में चले जाओ, एक चीज पर अटेंशन लगाओ, फोकस लगाओ। आपको यही चीज करने के लिए बोले जा रहे हैं बार बार। कुछ नई स्ट्रेटजी फॉलो करो। अगर इफ इफ यू आर वॉचिंग नंबर फाइव, फाइव नंबर दिख रहा है तो कुछ नया आपको करना पड़ेगा। और आपको फाइव नंबर ये भी बताता है कि बैठने का टाइम नहीं है, हाथ पे हाथ धरकर काम करने का टाइम है। इट्स अ चैलेंजिंग टाइम फॉर यू। अगर आपको ये वेल्थ, ये प्रॉस्पेरिटी अपनी लाइफ में चाहिए तो आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना है। रातों को नींद नहीं आ रही है, रेस्टलेस नाइट हो रही है, सो नहीं पाते हो, हेडेक हो जाता है फिर जब सुबह उठते हो, लेट उठते हो, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। एंड आप अभी दो चीज़ों के बारे में ना सोचकर एक ही चीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस लगाइए, तो आप अपने पर्पस को अचीव कर लेंगे और आपका ब्रोकन हार्ट भी हील हो जाएगा। गाइज, आज से ही आप एक चीज़ सोच लीजिए, आपको ना अपनी पर्सनल लाइफ अब किसी को नहीं बतानी है, ठीक है? चाहे कोई आपका बहुत बेस्ट फ्रेंड है, बट अब आप रिवील करना बंद कर दो। क्योंकि मुझे जो चीज़ें यहाँ पर दिख रही है, मुझे लग रहा है कि आपने 80% पर्पस अपना अचीव कर लिया है, सिर्फ 20% ही वर्क बचा हुआ है आपका। ऐसे में अगर आप एक एक बातें किसी को बताएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके पेट में कुछ नहीं पचता है, आप बता देते हो, ठीक है? अगर आप अपने पर्पस पे ध्यान लगाओगे तो आपके पास टाइम ही नहीं किसी से बात करने का। ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, और अपनी बातें किसी को ना बताएं, क्योंकि लोग सुन रहे हैं, वो आपके सामने तो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट पीछे से वो जेलेसी फील कर रहे हैं कि भाई मेरी लाइफ में तो ऐसा नहीं अच्छा हो रहा, आपकी लाइफ में कैसे अच्छा हो रहा है। कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपकी एनर्जी पे पड़ेगा। और आप देखो, मैं इन चीज़ों में मानती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, इसीलिए मैं आपको बता भी रही हूँ। और यहाँ पर कार्ड भी आया है, फोर ऑफ पेंटिकल्स, कि आप थोड़ा छुपाएं बातें, अपने अंदर रखें, क्योंकि लोगों को आप जितना बताओगे वो अप्रिशिएट मुंह पे करेंगे, बट अंदर से वो कितना जल रहे हैं, फूक रहे हैं, कितनी जेलसी रख रहे हैं कि भाई क्यों आपके काम बन रहे हैं, क्यों हमारे काम नहीं बन रहे, क्यों आपका रिश्ता इतना अच्छा है, मेरा अच्छा क्यों नहीं है। इस तरीके की कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं और एक बैड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो थोड़ा सा सावधान रहें, बचें। आप ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ शेयर ना करें। थोड़ा बहुत भी अच्छा हो रहा है, इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं, सो डोंट शेयर विद एनी वन, इवन डोंट शेयर विद योर क्लोज वन। किसी के भी साथ मत शेयर करो, थोड़े टाइम के लिए एकदम सीक्रेट आइसोलेशन फेज में चले जाइए आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा आपके लिए। कोई खुश नहीं होता जान के गाइस, कोई खुश नहीं होता है। आप न्यू बिगिनिंग अट्रैक्ट कर रहे हो, पर इसमें टाइम लग रहा है क्योंकि आप ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो, आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो। अभी तो फिलहाल वक्त ही नहीं है कि दो चीजों के बारे में सोचा जाए। देखा, कपल, वी हैव कपल, एम्प्रेस एंड एम्परर, वी हैव कपल, एंड आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री बन गई है। अगर आप, आई एम सॉरी, अगर आपकी लाइफ में कोई है और आप अच्छी केमिस्ट्री फील करते हो, तो किसी के साथ कुछ भी शेयर मत करो। बुरी नजर लगने में टाइम नहीं लगेगा और नेगेटिव एनर्जी भी पहुंचेगी आप तक, इसीलिए कंसीडर कीजिए कि आपको जो पता है वही सच है। और अपने लिए जो भी आपके फ्यूचर प्लान है, किसी के साथ मत शेयर करो। किसी के साथ आपकी लव लाइफ में कुछ भी अच्छा कुछ हुआ है मत बताओ। कुछ टाइम के लिए अपने पास तक रखो बातें, ठीक है? जब तक आप अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छा ना कर लें, क्योंकि अभी आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी अचीव नहीं हुआ है, चैलेंजेस आपकी लाइफ में है ही, तो अभी आप प्रोग्रेस पर हो। और जब तक ये हार्ड टाइम रहेगा, आपको एंजल नंबर दिखते रहेंगे, तो कुछ बातें हैं, थोड़ा सा आइसोलेशन फेज में जाइए, अपने क्राउन चक्रा को बैलेंस कीजिए, ठीक है? और एक ही चीज़ के बारे में सोचिए अभी के लिए, सिर्फ एक चीज़ के बारे में। जब वो अचीव हो जाएगी फिर दूसरी चीज़ के बारे में सोचना, बट एक साथ दो चार चीज़ें लेके मत चलो। किसी की अभी ये जो टाइम है आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है। इस टाइम आप किसी की भी नेगेटिव बातें मत सुनो, जैसे कोई अपने किस्से सुनाए, नेगेटिव बातें जो भी हो रहा है उनकी लाइफ में,
बस इतना बोल दो भाई, फेथ रखिए डिवाइन पर, प्रोग्रेस पर रहिए, अपने चेंज टाइम चेंज हो जाएगा। आपको पूरी स्टोरी सुनने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आप खुद ब्रोकन हार्ट लेकर बैठे हुए हो। और ज़्यादा नेगेटिव सुनोगे तो ये और ज़्यादा आपका जो हार्ट है ना वो हील नहीं हो पाएगा ठीक से। तो इसलिए किसी की बातें नहीं सुननी है जब तक आप अपना गोल अचीव नहीं कर लेते। ध्यान रखिए, अगर आप जितना ध्यान दोगे अपने ऊपर उतना अच्छा रहेगा। एनर्जी बचा के रखो, नेगेटिव एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट करो। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो धीरे धीरे एंजल नंबर, जैसे 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 आपके टारगेट कंप्लीट होंगे, एंजल नंबर दिखने आपको बंद हो जाएंगे। और जब पूरी तरीके से बंद हो जाए, इट मीन्स अब आपकी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन अगर दिख रहे हैं तो भाई इसका मतलब अभी चैलेंज है, कुछ एरियाज़ में आपको अभी भी इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। तो मैंने बता दिया आपको जो जो इम्प्रूवमेंट्स आपको लाने हैं, जो भी नंबर आपको दिख रहे हैं, आपको क्या करना है। आई होप कि ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आपकी लाइफ में इस रीडिंग को देखने के बाद पॉजिटिव चेंजेस भी आ जाएंगे। बट जो मेन थीम है ना, किसी के साथ मत शेयर करो अपनी पर्सनल बातें, मत बताओ फ्यूचर प्लान, मत बताओ पर्सन ने क्या कहा, रिकन्सिलेशन करा या नहीं करा, कुछ अच्छी बात बोली या कुछ लड़ाई कर ली। एकदम साइलेंट हो जाओ और अपने पर्पस पर फोकस करो। एक टाइम पर एक ही चीज पर काम करो, ये एक थीम है इस रीडिंग की, जो आपके लिए मैसेजेस आए इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। तो अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।